एक घर में एक बेटी ने जन्म लिया। जन्म होते ही माँ का स्वर्गवास हो गया। बाप ने बेटी को गले से लगा लिया। रिश्तेदारों ने लड़की के जन्म से ही ताने मारने शुरू कर दिए कि पैदा होते ही माँ को खा गई मनुष्य। पर बाप ने कुछ नहीं कहा। अपनी बेटी को बेटी बेटी का पालन पोषण शुरू किया। खेत में काम करता और बेटी को भी खेत ले जाता। काम भी करता और भाग कर बेटी को भी संभालता। रिश्तेदारों ने बहुत समझाया कि दूसरा विवाह कर लो, पर बाप ने किसी की नहीं सुनी और पूरा ध्यान बेटी की ओर रखा। बेटी बड़ी हुई, स्कूल गई, फिर कॉलेज। हर क्लास में फर्स्ट आई। बाप बहुत खुश होता, लोग बधाइयाँ देते। बेटी अपने बाप के साथ खेत में काम करवाती। फसल अच्छी होने लगी। रिश्तेदार ये सब देखकर चिढ़ गए। जो उसको मनुष्य कहते थे वो सब चिढ़ने लग गए। लड़की एक दिन अच्छा पढ़ लिख कर पुलिस में एसपी बन गई। एक दिन किसी मंत्री ने उसको सम्मानित करने का फैसला लिया और समागम का बंदोबस्त करने के लिए आदेश दिए। समागम उनके ही गांव में रखा गया। मंत्री ने समागम में लोगों को समझाया कि बेटा बेटी में फर्क नहीं करना चाहिए, बेटी भी वो सब कर सकती है जो बेटा कर सकता है। भाषण के बाद मंत्री ने लड़की को स्टेज पर बुलाया और कुछ कहने को कहा। लड़की ने माइक पकड़ा और कहा, मैं आज जो भी हूँ अपने बाबुल पिता की वजह से हूँ, जो लोगों के ताने सह कर भी मुझे यहाँ तक ले आए, मेरे पालन पोषण के लिए दिन रात एक कर दिया। मैंने माँ नहीं देखी और ना ही कभी पिता से कहा माँ कैसी थी, क्योंकि अगर मैं पूछती तो बाप को लगता कि शायद मेरे पालन पोषण में कोई कमी रह गई। मेरे लिए मेरे पिता से बढ़कर कुछ नहीं। बाप सामने लोगों में बैठकर आंसू बहा रहा था। बेटी भी बोलते बोलते आंखें भर आई। उसने मंत्री से पिता को स्टेज पर बुलाने की अनुमति ली। बाप स्टेज पर आया और बेटी को गले लगाकर बोला, रोती क्यों है बेटी, तू तो मेरा शेर पुत्र है, तू ही कमज़ोर पड़ गई तो मेरा क्या होगा, मैंने तुझको सारी उम्र हंसते देखना है। बाप बेटी का प्यार देखकर सबकी आंखों में आंखें नम हो गई। मंत्री ने बेटी के गले में सोने का मेडल डाला और वो मेडल लड़की ने अपने बाप के गले में डाल दिया। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।